अस्सलामु अलैकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फिलहाल है जुमा और सारे बंदे जा रहे हैं नमाज पढ़ने। दिख नहीं रहा होगा क्योंकि धूप है, कुछ कुछ दिखता होगा बंदे, धूप बहुत ज़्यादा है। तो नमाज पढ़ने सब जा रहा है, तो चलिए हम भी चलते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने। और आते हैं नमाज पढ़ के, तो फिर देखते हैं, अगर कहीं जाना हुआ तो चला जाएगा, नहीं जाना हुआ तो कोई मसला नहीं है। और हवा चल रहा है बहुत ही जोरों शोर से, वो आप देखते होंगे, एक गाछ हिल रहा है और धूप है पर हवा बहुत ही जोर से चल रहा है। और इतना चल रहा है कि गाड़ी पर देख रहे हैं धूला और गर्दा पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हवा जोर से चल रहा है, धूला उड़ के आ रहा है। इसको साफ किए थे, इस पे भी आ गया, और इसको तो फिलहाल साफ करते नहीं है क्योंकि ये गाड़ी कहीं जाता नहीं है, जो है एक ही गाड़ी है, इसी को साफ करते हैं। दो गाड़ी तो चला गया, एक रियाद चला गया, एक मोहम्मद लेके चला गया अपने रूम पे। तो करना पड़ता है, तो सिर्फ एक ही गाड़ी है, आराम ही आराम है। तो चलते हैं मस्जिद में क्योंकि बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। जाना था, स्कूल जाते थे, इन लोग का एग्जाम चल रहा है पर टाइम नहीं मिलता था, जाते थे वहीं रुक जाते थे, 2 घंटे में छुट्टी होता था तो लेके चला रहे हैं। फिलहाल अब्दुल्ला जो है उसका मौत ठीक हो गया हुआ है, लेके चल रहा है पर ठीक है, तो भी जाता है 2 दिन से एग्जाम देने। फिलहाल 2-3 दिन और, यानी संडे मंडे ट्यूजडे, यानी 2-3 दिन और स्कूल है, एग्जाम चलेगा, उसके बाद 10 दिन बंद हो जाएगा। तो चलते हैं मस्जिद, देखते हैं वहाँ से आने के बाद फिर कहीं जाना हुआ तो चला जाएगा, धूप बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल ये मस्जिद पहुँचने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है जुमे के दिन मस्जिद में, कई एक मस्जिद है, मस्जिद तो यहाँ बहुत सारा है पर इस एरिया का एक ही मस्जिद है, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ हो जाता है। फिलहाल अभी तो गाड़ी कम है, वरना गाड़ी तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। अभी बहुत सारा गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है, मस्जिद है, सब खाली है पूरा अभी फिलहाल, तो पूरा ही भर जाता है, कुछ जगह नहीं रहता है चलने का। चलिए चलते हैं मस्जिद उस तरफ, अभी तक खुतबा शुरू नहीं हुआ है, खुतबा जब शुरू होगा कुछ देर में हो जाएगा, तो चलते हैं। तो ये रहा, और तो हो चुका है खत्म, भीड़ है काफी, देख रहे हैं शॉर्टकट रास्ता है भाई, गाड़ी लगा हुआ है, मर्सिडीज वाला है। अब अपने अपने घर की तरफ भाग रहा है, तो चुका है खत्म, सब आ रहा है। चलिए तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, कहीं अगर जाना हुआ तो चला जाएगा। तो जो है फोन किया हुआ था गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, तो चलिए गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं। मैडम जाएगी या जोहर जाएगा ये तो नहीं मालूम है, देखते हैं कौन कहाँ जाता है। चलिए गेट के पास लगाते हैं और चलते हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, अब तो जुमा हो सकता है, मैडम अगर जाएगी तो अपने माँ के घर जा सकती है, या लोग भी जाएगा। पर फोन किया हुआ था जुहैर, तो पता नहीं मैडम जाएगी या लड़का लोग जाएगा, माँ के घर जाए, या हो सकता है कहीं जुहैर अपने फ्रेंड का हाउस जा सकता है। तो जुमा का दिन है तो स्कूल तो नहीं है, तो हो सकता है कहीं कॉल किया हो तो छोकरा जा सकता है। देखते हैं कहाँ कौन जाता है, इंतजार कर रहे हैं, आएगा तो फिर लेके चला जाएगा। तो फिलहाल आए हुए हैं सद्दा, यानी सद्दा जो हेरा में सद्दा है खाने का जो मिलता है, उसी में आए हुए हैं जुहैर को लेके। अब हो सकता है कि यहाँ से खाना लेके जाएगा, ये वाला ही सद्दा है, इसी में आया हुआ है लेने के लिए। फिलहाल गाड़ी का पार्किंग नहीं है, ये हेरा है भाई, और ये रहा बिल्डिंग जो घर के पास दिखता है, और ये हम रोड पे लगा। तो फिलहाल पार्किंग का जगह मिला नहीं, तो चलते हैं अलग से घुमा के फिर देखते हैं, कहीं अगर मिलता है पार्किंग तो लगाया जाएगा। अभी दुकान वो बंद है, अंदर में गया है लेकिन 10 मिनट के बाद बोला है। तो फिलहाल आए हुए थे सिम दुकान में, पर भीड़ है, 10 मिनट में बोला है, तो देखते हैं।
सिम दुकान में सिम लेने, लेकिन बोला भाई 10-15 मिनट टाइम लगेगा क्योंकि जो और आदमी है उसको देते हैं उसके बाद, और 10 मिनट में वो बुलाया है तो टाइम लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो बाद में लेते हैं सिम, पहले चलते हैं उसके पास, उसके बाद तो सिम फिर लिया जाएगा, कोई मसला नहीं। फिर आएंगे तो गली के अंदर में मस्जिद है, गली के अंदर से जा रहे हैं, उधर पार्किंग का जगह नहीं मिला है, तो ये है मस्जिद। और ये कहाँ जाता है पता नहीं, बेघर मालूम है, हुए हुए चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ निकलता है, पता नहीं किधर जाएगा रास्ता। जाना है सत्ता जो है, जहाँ पे खाना मिलता है दिखाए हैं वहीं जाना है, लेकिन हम अंदर डूब गए हैं अंदर से, क्योंकि रोड पे पार्किंग मिला नहीं था, ज़्यादा देर खड़ा रहने से सुरता लोग आ जाता है। तो फिलहाल देखते हैं इधर से गाड़ी घुमा के चलते हैं, के अंदर रास्ता है, रोड पे निकलते हैं, कहाँ से है पता नहीं, कुछते कुछते निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ सद्दा जो खाने का है ये रहा, इसका पीछे का ये सीन है, इसका आगे हमको जाना है, ये सेम पीछे है, तो पीछे से हम आए हैं, आगे से घुमा के चलते हैं, उधर सामने में यही वाला है। फिलहाल हेरा पहुंच गए हुए हैं, उधर बहुत ज़्यादा धूप है, क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है, लगाए हुए हैं, कॉल करेगा तो फिर जाएंगे, बगल में ही है क्योंकि बैक साइड से आपको दिखलाए हैं, उसी के सामने से आके गली के अंदर से आके इधर रोड पे आ गए। फिलहाल आए हुए हैं बकाला, और घर के पास वाले बकाले में आए हुए हैं, यहाँ से कुछ वो लेगा, लेके चलता है। और ये है सहन, अभी नहीं लिया है, ये सहन का बथुरा है, 1500 कुछ रियाल का है, पता नहीं अरबी में लिखा हुआ है, जूम करके दिखलाते हैं, ये है 1500 क्या 92 है कि क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कितने रियाल का है, इसको देखना होगा, ये तो 1470 कुछ है, और कुछ मिला उला के ये सब 1533 से कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है। एक घर आ गए हैं बकाला, और ये सामान जो है ये लेना है, 1 घंटे 2 घंटे में जाना है, और लेके जाना है मामा हाउस, यानी मैडम के माँ के घर, सहन है। अब एक है कि दो है ये नहीं मालूम। फिलहाल आ गए हुए हैं घर पे, अब देखते हैं इस टाइम से कहाँ जाना है, कहीं अगर जाना हो तो जाया जाएगा, नहीं तो सहन जो है वो है उसको लेके जाना है मामा हाउस, यानी मैडम के माँ के घर, देखते हैं उससे पहले हो सकता है कहीं मैडम लोग को उसके माँ के घर छोड़ना होगा, वहाँ छोड़ने के बाद तब फिर जाके सहन लाना होगा, अभी 2-3 घंटा के बाद बोला है लाने के लिए, तो वो कॉल करेगा, हो सकता है शाम में हो, तो पहले जाके मैडम लोग को छोड़ना होगा, उसके बाद आके फिर जाके लेके सहन पहुँचाना होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो इंतज़ार कर रहे हैं देख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, जब भी जाना बोलेगा तो जाना ही होगा, लाना होगा तो लाना ही होगा। फिलहाल असर का नमाज़ पढ़ने आए हैं, और असर में देखिए पूरा गाड़ी का जगह खाली, जुमा में भीड़ पूरा मैदान भरा हुआ था, और असर में देखिए असर में पूरा खाली, यानी असर में ज़्यादातर लोग आता नहीं है, सिर्फ जुमा बस खलास, उसके बाद 2-4-10 गाड़ी जो मिलेगा आपको वही मिलेगा, और नहीं तो पूरा खाली रहता है असर में। असर का समय हो चुका है, तो फिलहाल मैडम कॉल की हुई है, देखते हैं कहाँ जाना है, चलते हैं, हो सकता है कहीं मैडम माँ के घर जाएगी, तो चलते हैं मैडम की माँ के घर, मैडम को लेके, और हो सकता है माँ के घर भी जाए, हो सकता है कहीं और जाए, तो फिलहाल अभी मैडम आई नहीं है, कॉल की हुई थी, तो चलते हैं लेके, देखते हैं कहाँ जाती है। तो फिलहाल आ गए हुए हैं घर पे, मैडम के माँ के घर पे, और ये है पैसेज, और ये है पूरा रूम, उधर है उधर है, अंदर में ऐसा ऐसा 3-4 बना हुआ है बंगलो, चलते हैं भाई साहब की तरफ। ये है एक इधर गाड़ी, एक उधर गाड़ी, एक उधर गाड़ी, और ये है भाई साहब का रूम, ये एक अलग दरवाज़ा है, ये बैक साइड का हो गया, ये पार्टी वार्टी होता है, ये पार्टी वाले का रूम है, और ये है भाई साहब का रूम है। तो भाई साहब का रूम में आ गए, भाई साहब है नहीं, ये भाई साहब का रूम है,
इधर हमाम है और ये बड़ा सा रूम है, पर भाई साहब का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहीं होता होगा इस बार भैया, काम भाई कामे हैं। चलिए इंतजार करते हैं। और ये बाहर का व्यू है, बाहर में भी फिलहाल धूप है हल्का, तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं। तो फिलहाल आ गए हैं मैडम को लेके घर पे, चलते हैं फिर देखते हैं, अगर कहीं जाना हुआ तो चला जाएगा, शाम हो चुका है तो इंतज़ार करते हैं, अगर कहीं जाएगी तो फिर लेके चला जाएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो फिलहाल चलते हैं, पता नहीं जोहर कहाँ जाएगा, फिर कॉल किए हुआ था, पता नहीं आधा घंटा एक घंटा में कॉल करता है और जाता है, एक बार कोई सामान लेके नहीं आता है। आना जाना देखे कहाँ जाता है, शाम भी हो गया हुआ है, देखते हैं कहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा तो लेके तो जाना है उसको, कॉल तो किया हुआ था जोहर, तो हो सकता है कि जोहर ही जाएगा या कोई और जाए, पता नहीं, इस कोई गारंटी नहीं रहता है। तो इंतजार है, गेट पे करते हैं, आता है तो लेके चलते हैं फिर उसको। स्कूल का जब छुट्टी होता है तो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, सारा दिन घूमते रहो, लो का ठीक है, स्कूल छुट्टी हुआ कि घूमते रहो, स्कूल का पढ़ाई शुरू तो फिर कहीं नहीं जाना है, यानी जुम्मा शनिचर तो परेशान कर देता है ये लोग भाई घूमने में, जुमरात जुमा, शनिचर को दिन में जाता है रात में कोई नहीं जाएगा, लेकिन जुमरात का रात में चला चला जाएगा घूरने, जुमा का रात में जाएगा घूरने, शनिचर को इसलिए जाता है इतवार को फिर स्कूल है, तो अब देखे कहाँ जाता है। तो फिलहाल मैडम को फिर लेके आए हैं मैडम के माँ के घर फिर से, और फिर यहाँ से लेके फिर जाना है, पता नहीं मैडम और मैडम की माँ गई है भाई साहब के साथ, लेक्चर्स नहीं है यहाँ पे, वो लेक्चर्स पे गए हैं, अभी एक लेक्चर्स हैं, तो कहाँ गया है नहीं मालूम, बोली है कि जल्दी ही आ जाएंगे यहीं रुकने के लिए, तो चलिए यहीं पर इंतज़ार करते हैं, मैडम आती है तो फिर लेके चला जाएगा घर, तब तक मेरे वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।